सेफ मून की अगर हम बात करते हैं तो सेफ मून का जो प्राइस है वो एकदम बूम हुआ था, लेकिन उसके बाद इसका प्राइस ड्रॉप होना शुरू हो चुका था, क्योंकि सेफ मून के साथ ऐसे कुछ और भी कॉइन्स हैं जो सेफ के नाम से, जैसे कि सेफ मार्स है, तो उनमें भी कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है। अभी सेफ मून का प्राइस बहुत नीचे आ चुका है। ये वही सेफ मून है जिसने करीब 1400 से लेकर 1500% का प्रॉफिट दिया कुछ ही दिनों में, क्योंकि इस प्रोजेक्ट की हाइप बहुत ज़्यादा क्रिएट हो चुकी थी, जिसकी वजह से इसका प्राइस एकदम बूम हुआ। लेकिन उतना ही नीचे यहाँ डिप में आ चुका है इसका प्राइस, और अभी इसका क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, क्योंकि इसको पॉन्जी स्कीम भी बताया जा रहा है, जिसकी वजह से इसकी जो हाइप थी वो बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। लेकिन इसी के साथ कुछ और भी नए अपडेट्स हैं जो बिल्कुल पॉजिटिव हैं। कुछ ऐसे अपडेट्स अगर हम उनके ऊपर ध्यान देते तो हम ये बोल सकते हैं कि सेफ मून का बहुत अच्छा फ्यूचर है। लेकिन यहाँ आपके लिए कुछ चीज़ें रिस्की भी हैं, वो सारी डिस्कशन हम करने वाले इसी वीडियो में। लेकिन अगर हम हमारे चैनल पे नए आए, पहली बार आए, तो अभी से वॉल ट्रेड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक टाइमली पहुँचती रहें। इसी के साथ हमारे टेलीग्राम के ग्रुप को और चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वॉल्फ ट्रेड ऑफिशियल चैनल है, वॉल्फ ट्रेड डिस्कस ग्रुप मिलेगा, वह आपको डिस्कशन में दिखेगी, और इसी के साथ आपको लेटेस्ट कॉल्स मिलने वाली है, आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलने वाली हैं, ताकि आप टाइमली एक्शन ले पाएँ किसी भी क्रिप्टो कॉइन के ऊपर। तो अभी अगर हम देखते हैं सेफ मून का लास्ट जो ट्वीट था वो 24 अप्रैल का था, उसके ऊपर सिर्फ इतना ही बताया गया था कि पैनकेक स्वैप के ऊपर आपने सेफ मून को कैसे बाय करना है, लेकिन इसके बाद कोई भी अपडेट नहीं आया है। लेकिन हाँ, एक अच्छा जो अपडेट आया है सेफ मून का वो ये है कि सेफ मून की जो लिस्टिंग है वो कुछ और भी एक्सचेंजेस के ऊपर हो चुकी है, क्योंकि अभी ये MXC एक्सचेंज के ऊपर भी आ चुका है, गेट के ऊपर भी आ चुका है। इससे पहले ये सिर्फ और सिर्फ वाइट बिट के ऊपर था, और बिटमार्ट के ऊपर था, और पैनकेक स्वैप के ऊपर था। यानी कि अगर आप डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के ऊपर बाइंग करना चाहते हो तो आप पैनकेक स्वैप के ऊपर जा सकते हो, लेकिन अगर आप सेंट्रलाइज्ड के ऊपर बाय करना चाहते हो तो आप बिटमार्ट के ऊपर जा सकते हो। बिटमार्ट का हमने पूरा का पूरा आपको जितना भी प्रोसेस था बाय करने का वो भी आपको बताया था, और ये पूरा का पूरा आप प्रोसेस दोबारा से देख सकते हैं। ऊपर कार्ड दिया गया, कार्ड के ऊपर क्लिक करके आप इसको चेक कर सकते हैं। तो अभी जो सबसे बड़ा सवाल आ रहा है कि अभी जो MXC एक्सचेंज और गेट के ऊपर ये लिस्ट तो हो चुका है, लेकिन इसके बाद इसकी बाइनेंस के ऊपर लिस्टिंग कब होने वाली है, ये सबसे बड़ा सवाल चल रहा है अभी मार्केट में। क्योंकि आप भी जानते हैं बाइनेंस के ऊपर अगर लिस्टिंग होती है किसी भी कॉइन की, तो उसके प्राइस में एकदम से बूम देखने को मिलता है, बहुत अच्छा पंप देखने को मिलता है। तो अभी ये पूरे एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि जैसे ही बाइनेंस के ऊपर लिस्ट होगा तो इसके प्राइस में बहुत अच्छा इंक्रीज देखने को मिलेगा। बाइनेंस के जो CZ यानी कि CEO हैं, उनका कहना ये है कि ऐसा कोई भी कॉइन जिसको लार्ज नंबर ऑफ़ यूज़र्स चाहते हैं कि ये लिस्ट हो, जिसकी एक अच्छा इंटरेस्ट बना हो या फिर अच्छी हाइप हो, तो उसको बाइनेंस हमेशा लिस्ट करता है। तो अभी ये पॉसिबिलिटी इसी वजह से बन रही है कि बाइनेंस शायद सेफ मून को लिस्ट करने वाला है। तो अभी अगर हम लेटेस्ट जो लिस्टिंग है उसकी बात करें तो मंडाला और MXC एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट हो चुका है। अभी आने वाले समय में बाइनेंस, हॉबी ग्लोबल या कॉइनबेस, ऐसी जो टॉप 3 एक्सचेंजेस हैं, इनके किसी के भी ऊपर जो सेफ मून के CEO हैं जॉन कैरोनी, उनकी पूरी की पूरी कोशिश है कि इनमें से एक के ऊपर लिस्ट हो जाए, ताकि इसके प्राइस में एक अच्छा खासा पंप आ जाए। लेकिन एक चीज़ से आप हमेशा सावधान रहें, क्योंकि जो पंप आता है बहुत बार ऐसा भी होता है कि कुछ ही एक्सचेंजेस के ऊपर वेल्स उनको बाय कर लेती हैं, पंप करके उसके बाद एकदम से डंप कर देती हैं। वो तो अपना प्रॉफिट निकाल लेंगे, लेकिन आप एक हाई प्राइस के ऊपर बाय करके बहुत बुरे तरीके से फंस सकते हो। तो अभी आपको इस चीज़ के ऊपर पूरा ध्यान देना है कि आप गलत एक्सचेंज के ऊपर गलत तरीके से या फिर गलत टाइम पे बाय मत करें। लेकिन अगर हम करंट प्राइस की बात करें तो करंट प्राइस के ऊपर अच्छा खासा बाइंग जोन बन रहा है। तो आप खुद भी देख सकते हैं, अभी करीब 4.8 का प्राइस आप यहाँ देख सकते हैं, डिप ऑलरेडी आ चुका है करीब 20% का। अगर हम जो ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें तो $43 मिलियन की ट्रेडिंग हो रही है सेफ मून की, तो ये ट्रेडिंग वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होने वाला है, क्योंकि यहाँ जो 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम देखें तो $44 मिलियन की है। तो ये ऑब्वियसली अच्छा खासा यहाँ इंक्रीज़ आ रहा है। मार्केट रैंक जो है वो भी पहले बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ था, अभी थोड़ा सा नीचे चल रहा है, क्योंकि ये डिपेंड करता है ट्रेडिंग वॉल्यूम के ऊपर, 24 हाई मार्केट प्राइस क्या गया, मार्केट कैप क्या है, ये इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका जो रैंक है वो भी ऊपर डेफिनेटली जाएगा। लेकिन एक इसी के साथ बहुत बुरी चीज़ जुड़ी हुई है, बहुत बुरी खबर जुड़ी हुई है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम अगर हम देखें बिटकनेक्ट नाम से एक ऐसा ही क्रिप्टो कॉइन आया था जिसको एज ए पॉन्जी स्कीम बताया गया था, बहुत लोग पहले से सावधान हो चुके थे, क्योंकि अभी भी सेफ मून को लेकर बहुत से यूट्यूबर्स इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पॉसिबिलिटी ऐसी भी दिख रही है कि सेफ मून शायद स्कैम करेगा। लेकिन ऐसा आज के समय में इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसको एज ए पॉन्जी स्कीम क्यों डिक्लेयर किया गया उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि यहाँ जितने भी यहाँ सेलिंग होती है सेफ मून की, उसके ऊपर 10% ट्रांजेक्शन फी ली जाती है, जिसमें से 5% जाता है उन सभी क्रिप्टोकरेंसी होल्डर्स को जो पहले से सेफ मून होल्ड करके बैठे हैं, तो उनको ये 5% डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है।
तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ये एक अच्छा एल्गोरिदम है, क्योंकि इस तरीके से अगर 5% डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा, जो होल्डर्स हैं उनको कुछ ना कुछ प्रॉफिट्स मिलता रहेगा, जिसकी वजह से वो होल्ड करके रखेंगे, और जितने भी सेलर्स होंगे वो कोशिश करेंगे कि वो सेल ना करें बल्कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा बाय करें। और इसी चीज़ को देखते हुए इसको एज ए पॉन्जी स्कीम भी डिक्लेयर किया कई लोगों ने। लेकिन एक्चुअल में हम आपको बता दें कि बिटकनेक्ट के साथ क्या हुआ था, वो पॉन्जी स्कीम क्यों थी, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल जो बिटकनेक्ट था वो टॉप 10 क्रिप्टोकरेंसीज में आ चुका था, इसमें लिक्विडिटी बहुत ही ज़्यादा थी। लेकिन उसके बाद एकदम से रग पुल हुआ, यानी कि इसके जो भी CEO थे उन्होंने पूरा का पूरा अमाउंट बिटकनेक्ट का निकाल लिया। तो हम सेफमून और बिटकनेक्ट को किस तरीके से यहाँ कनेक्ट कर पा रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि बिटकनेक्ट क्या कर रहा था, वो हर एक इन्वेस्टर को मिनिमम 10% तक का मंथली बेसिस पर रिटर्न दे रहा था, यानी कि जो भी बिटकनेक्ट को होल्ड कर रहे थे उनको अप टू 10% एवरी मंथ कुछ ना कुछ रिटर्न दिया जा रहा था। और उससे भी ज़्यादा सस्पिशियस बिटकनेक्ट इसलिए था क्योंकि बिटकनेक्ट सिर्फ और सिर्फ बिटकनेक्ट एक्सचेंज के ऊपर ही अवेलेबल था, और बाकी किसी भी एक्सचेंज के ऊपर ना होने की वजह से इसको एज ए पॉन्जी स्कीम डिक्लेयर किया गया था। और सच में ऐसा ही हुआ, कुछ ही टाइम के बाद इसने बहुत बड़ा स्कैम किया। तो बिल्कुल ऐसी पॉसिबिलिटी सेफमून की भी दिख रही थी, लेकिन सेफमून की एक्चुअली अगर हम देखें तो सेफमून का अपना खुद का एक्सचेंज अभी आने वाला है, और जब एक्सचेंज आएगा तो इसका प्राइस भी बहुत अच्छा इंक्रीज होगा। लेकिन उससे पहले अभी ये करंटली बहुत ज़्यादा एक्सचेंजेस के ऊपर ऑलरेडी लिस्टेड है, MXC के ऊपर है, मंडाला के ऊपर है, वाइट बिट है, बिटमार्ट है, पैनकेक स्वैप है, यानी कि डिसेंट्रलाइज के ऊपर भी है, सेंट्रलाइज के ऊपर भी है, और इसके बाद जल्द ही पूरी उम्मीद है कि ये बाइनेंस के ऊपर भी आने वाला है। और इसी के साथ जब ये अपना खुद का एक्सचेंज ले आएगा तो यहाँ ऐसा कोई भी नहीं बोल सकता कि सेफमून सिर्फ और सिर्फ सेफमून एक्सचेंज के ऊपर ही लिस्ट किया गया था, जिसकी वजह से यहाँ कुछ चांसेस या फिर सस्पिशियस क्रिप्टोकरेंसी है। तो ऐसे मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी मेरा मानना यही है कि सेफमून यहाँ अभी तक जो है वो सेफ क्रिप्टोकरेंसी है, और जल्द ही इसका प्राइस बहुत ऊपर जाने वाला है, क्योंकि अगर हम डॉज की बात करें तो वो भी एक मीम करेंसी थी, वैसे उसी तरीके से सेफमून भी एक मीम करेंसी है, लेकिन इसका प्राइस भी बहुत अच्छा ऊपर जाने वाला है। अगर ये 1 सेंट तक भी पहुंच जाता है, 10 सेंट तक भी पहुंच जाता है, तो हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा, क्योंकि अभी सबके पास लाखों में करोड़ों में सेफमून्स पड़े हैं। तो आपका क्या कहना है सेफमून के बारे में, क्या इसका प्राइस ऊपर जाएगा, क्या बाइनेंस सेफमून को लिस्ट होने देगा, क्या वो अलाउ करेंगे सेफमून को लिस्ट करना, और आपके पास कितने सेफमून्स पड़े हैं, कितने करोड़ में सेफमून्स पड़े हैं, कृपया हमें नीचे कमेंट करके बताएं, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और हमारे चैनल वॉल्फ ट्रेड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि हम आप तक सारी लेटेस्ट अपडेट्स टाइमली पहुंचाते रहें। धन्यवाद।